देखते आंखों सुनते कानों को हमारे चैनल डैड्स रसोई में आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम फिर एक बार एक नई वीडियो एक नए रेसिपी के साथ हाजिर है। आज की हमारी रेसिपी है चिकन पोटा फ्राई। अब चिकन पोटा फ्राई हम कैसे करेंगे आइए देखते हैं। हमने यहाँ चिकन पोटा 750 ग्राम लिया है, इसको पहले हम छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करेंगे। अब ये पूरे पीसेस करके हमें इसको रेडी हो गया। अब इसे हम कुकर में डाल के कम 4 से 5 सीटी दे देंगे। अब हमने चिकन पोटा जो है कुकर में रखा है, इसमें कम से कम 4 से 5 सीटी हम दे देंगे। अब हमें इसे पानी भी हम ऐड करेंगे, लग से 3 से 4 गिलास ऐड करेंगे। अब नेक्स्ट प्रोसेस में हमने 2 प्याज लिए है बारीक चॉप किया हुआ है, और हरा धनिया भी हमने लिया है, और यहाँ 3 से 4 हरी मिर्ची हमने बारीक कटे हुए रखे हैं, और ये अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच हमने लिया है। आइए देखते हैं अब क्या करेंगे। अब हमने यहाँ पे गैस पे एक पैन रखा है, इसमें हम तेल 1-2 चमचे ऐड करेंगे। इसमें हम दालचीनी 1 पीस ऐड करेंगे, लौंग 1-3 पीस ऐड करेंगे। इसके साथ ही हम 1/2 टीस्पून जीरा भी हम इसमें ऐड करेंगे। साथ में हम इसमें जो प्याज हमें चॉप करके रखा है वो भी हम इसमें ऐड करेंगे। अब हम प्याज को फ्राई कर रहे हैं जब तक प्याज ब्राउन ना हो जाए। अब प्याज हमारा हल्का हल्का ब्राउन हो रहा, अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड करेंगे। अब इसमें हम हरी मिर्ची भी ऐड करेंगे, ताकि इसमें हम हरा धनिया भी ऐड करेंगे जो हमें पहले बारीक कटा हुआ रखा था। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून हल्दी ऐड करेंगे, कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून वो भी हम इसमें ऐड करेंगे, गरम मसाला 1/2 टीस्पून वो भी हम इसमें ऐड करेंगे, और नमक ऐड करेंगे। नमक आप स्वाद अनुसार भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, फिलहाल हम इसमें कम नमक डाल रहे हैं। अब इसमें हम हल्का सा 2-3 चम्मच पानी भी ऐड करेंगे। ये ग्रेवी हमारी रेडी हो गई है, इसमें तेल भी पूरा छूट गया है। अब हम इसमें पोटा भी ऐड करेंगे जो हमने कुकर में 4 सीटी के बाद जो रेडी हुआ था, अब इसको हम इसमें ऐड करेंगे। अब हम इसको 5 से 7 मिनट तक ऐसे ही फ्राई करेंगे। 4 से 5 मिनट भी हो गए इसमें फ्राई करते हुए। अब हम इसमें 1/2 गिलास पानी ऐड करेंगे। अब इसको हम तब तक पकाएंगे जब तक ये पानी इसमें बिल्कुल सूख न जाए। उसके बाद हम इसमें दूसरे मसाले भी ऐड करेंगे। अब इसमें पानी बिल्कुल सूख गया है, अब हम इसमें दूसरे मसाले भी ऐड करेंगे। काली मिर्ची की पाउडर भी हम इसमें 1/2 टीस्पून ऐड करेंगे, और इसमें हम जो धनिया बचा था वो भी हम इसमें ऐड करेंगे। अब इसको हम 2 से 3 मिनट तक और पकाएंगे। अब इसको हम तब तक पकाएंगे जब तक इसमें तेल छूट न जाए, उसके लिए लगभग 2 से 3 मिनट और लगेंगे। ये पोटा फ्राई हमारा रेडी हो गया, अब हम इसमें घी भी ऐड करेंगे, जायके के 1/2 टीस्पून हम इसमें घी भी ऐड करेंगे।
और ये बिल्कुल रेडी हो गया, बिल्कुल ही बेहतरीन खुशबू आ रही मसाले की, जायकेदार हो रहा है। अब हम इसको हम सर्व करेंगे। ये चिकन पोटा फ्राई सूखा हमारा रेडी हो गया, आप देखिए टेस्ट कीजिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में लाइक भी कीजिए और बेल आइकन पे भी दबा दीजिए। मिलेंगे फिर एक बार और नए वीडियो के साथ, तब तक दे दीजिए इजाजत।